हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में न्यू रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम नोटिफिकेशन की, LBT क्राइटेरिया के बारे में और क्वालिफिकेशंस के बारे में। आगे चलने से पहले, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की रिक्रूटमेंट के बारे में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो आपकी ये रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के लिए आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा फ्रेंड्स, और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। वैकेंसी है फ्रेंड्स, आपकी बात करते हैं पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के लिए वैकेंसी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी वैकेंसी है रहने वाली है फ्रेंड्स। डायरेक्ट एंट्री फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट एंट्री है। AS बात करेंगे वैकेंसी डिटेल के बारे में, कैटेगरी वाइज वैकेंसी और टोटल वैकेंसियों के बारे में। तो ASI स्टेनोग्राफर के लिए 11 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ST कैटेगरी के लिए ये रिजर्व है फ्रेंड्स, टोटल 11 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के लिए देखेंगे फ्रेंड्स, जनरल के लिए आपको 154 वैकेंसी, EWS के लिए 41 वैकेंसी, OBC के लिए 65 वैकेंसी, SC के लिए 38 वैकेंसी और ST के लिए 11 14 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। टोटल फ्रेंड्स बात करते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की 312 वैकेंसी है, और टोटल दोनों पोस्टों में आपकी जो टोटल वैकेंसी है फ्रेंड्स 323 वैकेंसी रहने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसियों में 10% वैकेंसी रिजर्व है एक्स सर्विस मैन के लिए। तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो जिस दिन एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, उस दिन से 30 दिन तक आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे, जब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए आपको, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो आपकी एज लिमिट की लास्ट डेट की बात करते हैं, जो एज लिमिट आपके काउंट की जाएगी वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है उससे आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी फ्रेंड्स। तो पे स्केल की बात करेंगे फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर ASI के लिए जो पे स्केल है लेवल 5 का पे स्केल आपको देखने को मिलेगा 29,200 बेसिक से 52,300 इसमें आपको वेतन मिलता है फ्रेंड्स। हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए देखेंगे फ्रेंड्स, तो लेवल 4 का आपको पे वेतन मेट्रिक लेवल आपको मिलेगा इसमें 25,500 बेसिक से 81,100 आपको वेतन इसमें मिलता है फ्रेंड्स। एज लिमिट की बात करेंगे फ्रेंड्स, एज इस लिमिट इसमें जो आपकी मांगी गई है 18 साल मिनिमम, और मैक्सिमम जो एज मांगी गई है 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम जो आपकी एज है 25 साल इसमें मांगी गई है फ्रेंड्स। और एज लिमिट आपकी लास्ट डेट जो रहने वाली है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की उससे काउंट की जाएगी। और एज रिलेक्शन जो एज पर गवर्नमेंट्स रूल्स आपको मिलते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, OBC को 3 साल के लिए मिलता है फ्रेंड्स, और ST SC को 5 साल के लिए मिलता है, और एक्स सर्विस मैन का आप एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको देखने को मिलेगा जैसे ही फुल नोटिफिकेशन रिलीज होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर LBT कंडीशंस के बारे में, जो आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 पास हो, एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग की, शॉर्ट एंड टाइपिंग के स्टेनोग्राफर के लिए, और टाइपिंग स्पीड टेस्ट के आपको कंप्यूटर टाइपिंग के आपको नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फिशेंसी द पोस्ट आपको जो देखने को मिलेगी जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको जो एडवर्टाइजमेंट है थोड़े ही समय में recruitment.bsf.government.in पे आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से आप व्यू डिटेल करके देख सकते हैं टैब में जाके, और वहाँ से ही फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी आपको देखेगा। फॉर्म फिल जो करना है ऑनलाइन थ्रू आपको फॉर्म फिल करने होंगे, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे जैसे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके लिए आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन।